अब हम एंड्रूज के प्रयोग के बारे में जानेंगे। उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी पदार्थ की गैस एवं द्रव अवस्था के लिए दाब, आयतन, ताप संबंध सभी का पूर्ण आंकड़ा जब उन्होंने देखा, तो पहली बार में थॉमस एंड्रूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत किए। एंड्रूज ने ये देखा कि बहुत अधिक तापमान पर समतापी आरेख जो है वो आदर्श गैस के समतापी आरेख के समान होते हैं और उच्च दाब पर भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक ग्राफ प्रस्तुत किया। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि 73 वायुमंडलीय दाब पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहली बार द्रव अवस्था में प्रकट होती है और यहाँ जो तापमान है वो है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड या 31 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तापमान पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पहली बार द्रव अवस्था में प्रकट होती है और यहाँ जो वायुमंडलीय दाब है वो 73 वायुमंडलीय दाब है। इस तापमान को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और अधिक ताप पर ये गैस रूप में ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर किसी भी गैस को द्रवित किया जा सकता है, परंतु इस ताप के ऊपर गैस को बहुत अधिक दाब लगाने पर भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। क्रांतिक ताप पर ही किसी गैस को द्रवित कराने के लिए दाब के जिस मान की आवश्यकता होती है, यानी क्रांतिक तापमान पर यदि गैस को द्रवित कराना है तो उस गैस को द्रवित कराने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होगी उसे हम कहते हैं क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप को TC क्रिटिकल टेम्परेचर के रूप में दर्शाते हैं और क्रांतिक दाब को PC यानी क्रिटिकल प्रेशर के रूप में दर्शाया जाता है। इसी आधार पर हम देखेंगे क्रांतिक आयतन। तो क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर किसी भी गैस के एक अणु के आयतन को हम कहते हैं क्रांतिक आयतन। तो इसे भी VC से या क्रिटिकल वॉल्यूम से दर्शाया जाता है और क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को ही क्रांतिक स्थिरांक भी कहा जाता है। दाब बढ़ाने पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो संपीड़ित होती है और यहाँ पर इस ग्राफ में आप देखिए कि जो खड़ी रेखा है ये खड़ी रेखा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को दर्शा रही है और 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखते हैं कि इस तापमान पर बिंदु बी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस अवस्था में रहती है और बिंदु बी पर विशिष्ट आयतन का द्रव प्राप्त होता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि संपीड़न पर दाब परिवर्तित नहीं हो रहा है और द्रव और गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों साथ साथ रहते हैं। दाब बढ़ाने पर गैस का संघनन अधिक होगा। तो बिंदु सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बिंदु सी पर ये पूरी गैस जो है वो संघनित हो जाती है। बिंदु ए पर हम देख रहे हैं कि जो गैसीय अवस्था है वो है और बिंदु डी द्रव अवस्था को दर्शाती है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देखिए जो बिंदु ए है वो गैसीय अवस्था है और बिंदु डी जो है वो द्रव अवस्था को प्रदर्शित करती है, जबकि इस बिंदु के नीचे जो गुंबदनुमा आकृति हमें दिखाई दे रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के साम्यावस्था को दर्शाती है। तो ये जो गुंबदनुमा आकृति दिखाई दे रही है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव और गैसीय अवस्था यहाँ पर दोनों साम्यावस्था में है, इस बात को यहाँ पर ये दर्शा रही है। और संपीड़न करने पर क्या होता है कि गैस के अणु जो है वो पास पास आते हैं, जबकि जब तापमान कम किया जाता है तो अणुओं का जो गमन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तापमान कम कर दिया गया तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो अंतराणुक जो अन्योन्य क्रिया होती है, अंतराणुक अन्योन्य क्रिया ही कम गतिशील अणुओं को पास पास लाती है और गैसें जो है वो द्रवीकृत हो जाती है। एक गैस को द्रव में और द्रव को गैस में एक प्रावस्था में रहते हुए परिवर्तित किया जा सकता है।
तो इस एंड्रूज के द्वारा किए गए प्रयोग से हम कई सारी चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर एक गुंबदनुमा आकृति है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव अवस्था और गैस अवस्था दोनों की साम्यावस्था स्थिति है, और कई सारे बिंदु हैं, कई जगह टेम्परेचर वगैरह दिखाई देते हैं जहाँ पर गैस जो है वो द्रव अवस्था पर है, या जो गैस है वो गैसीय अवस्था पर है, या जो गैस है वो किस तापमान पर द्रवित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस ग्राफ में हम देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता है, तो अब हम तापमान बढ़ाने वाली स्थिति में देख रहे हैं कि ए से एफ की ओर ये जा रहा है, और इस समतापी वक्र के सहारे स्थिर ताप गैस को संपीड़ित करने पर बिंदु जी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ए से एफ की ओर जाते हैं, और इस समतापी वक्र के सहारे जब स्थिर ताप पर गैस को संपीड़ित किया जा रहा है तो यहाँ पर बिंदु जी भी प्राप्त होता है, और जब तापमान को कम किया जाता है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आते हैं तो बिंदु डी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और जैसे ही ये बिंदु डी जैसे ही बिंदु एच को पार करते हैं वैसे ही हमें द्रव अवस्था प्राप्त होती है। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं भी दो प्रावस्थाएं एक साथ प्राप्त नहीं होती हैं, और यदि यह प्रक्रिया क्रांतिक ताप पर संपन्न होती है तो पदार्थ केवल एक ही प्रावस्था में रहता है। द्रव को संघनित करके देखा जाता है तो तरल क्रांतिक ताप से कम ताप होता है, और यहाँ पर उसका जो आयतन है वो गुंबदनुमा आकृति में हो तो द्रव और गैस में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में द्रव और गैस साम्यावस्था में होते हैं। प्रावस्थाओं के मध्य जो विभेद करने वाली परत होती है वो यहाँ दिखाई देती है, और इस विभेदी परत की अनुपस्थिति में किसी भी विधि द्वारा दो जो अवस्थाएं हैं उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। तो एंड्रूज के प्रयोग में हमने देखा कि किस प्रकार से तापमान बढ़ाने और तापमान घटाने पर प्रावस्थाएं जो है वो बदलती हैं, और किस जगह पर दो प्रावस्थाएं एक समान साम्यावस्था की स्थिति में दिखाई देती हैं। चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाइए कि न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है VT is equal to V0 1 plus T upon 273। यहाँ पर T का मान दिया है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब T के स्थान पर हम 273 वैल्यू रखते हैं, -273 रखते हैं, तो यह मान हमें प्राप्त होता है VT is equal to V0 1 minus 273 upon 273। तो ये मान हमें प्राप्त होता है 0। इससे ये सिद्ध होता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस का आयतन 0 होता है, अर्थात गैस का अस्तित्व नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि चार्ल्स नियम को केवल -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे कम तापमान पर गैस का आयतन ऋणात्मक होगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो अतः -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप है चार्ल्स के नियम के आधार पर। अब हम बायल के नियम पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी गई है, इसका दाब 0.2 बार से अधिक होने पर यह फट जाएगा। यदि एक बार दाब पर गैस का आयतन 2.27 लीटर हो तो गुब्बारे को किस आयतन तक फैलाया जा सकेगा? बायल के नियम के अनुसार P1V1 बराबर P2V2 होता है। यहाँ पर P1 बराबर 1 बार, V1 बराबर 2.27 लीटर, P2 बराबर 0.2 बार और V2 ज्ञात करना है। तो P1V1 बराबर P2V2 से हम V2 ज्ञात करेंगे, तो V2 बराबर होगा P1V1 बटा P2। P1 की वैल्यू 1 इंटू V1 की वैल्यू 2.27 अपॉन P2 की वैल्यू 0.2 रखने पर V2 की वैल्यू प्राप्त होती है 11.35 लीटर। गुब्बारा 0.2 बार से अधिक दाब पर फट जाएगा, अतः गुब्बारे में गैस का आयतन
11.35 लीटर से कम होना चाहिए। प्रश्न 740 मिलीमीटर दाब पर गैस का आयतन 200 ml है, यदि तापक्रम स्थिर रखें तो किस दाब पर गैस का आयतन दिए हुए आयतन का दुगना हो जाएगा। यहाँ भी हम P1V1 बराबर P2V2 सूत्र लेते हैं। P1 740 mm, P2 ज्ञात करना है, V1 200 ml और V2 400 ml। सूत्र में मान रखने पर P2 की वैल्यू प्राप्त होती है 740 गुणा 200 बटा, यहाँ पर हम रखते हैं V2 की वैल्यू 400, तो 740 गुणा 200 बटा 400 रखने पर P2 की वैल्यू प्राप्त होती है 370 मिलीमीटर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। यहाँ भी हम P1V1 बराबर P2V2 सूत्र रखते हैं और यहाँ पर P2 ज्ञात करना है, तो P2 बराबर होगा P1V1 बटा V2। P1 की वैल्यू है 1 बार इंटू V1 की वैल्यू है 500 डेसीमीटर क्यूब अपॉन V2 की वैल्यू है 200 डेसीमीटर क्यूब। P2 की वैल्यू प्राप्त होती है 2.5 बार। 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। P1 बराबर है 1.2 बार, P2 ज्ञात करना है, V1 बराबर 120 ml और V2 बराबर है 180 ml। P1V1 बराबर P2V2, P2 बराबर P1V1 अपॉन V2, P1 की वैल्यू 1.2 इंटू V1 की वैल्यू 120 ml और V2 की वैल्यू है 180 ml। इस तरह से P2 की वैल्यू प्राप्त होती है 0.8 बार। अब हम चार्ल्स नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गोल पेंदे के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालकर भूल गया। उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसने अपनी भूल का एहसास किया। उसने उत्तप मापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 477 डिग्री सेंटीग्रेड पाया। आप बताइए कि वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। छात्र प्रयोगशाला में काम कर रहा था, इसलिए दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चार्ल्स का नियम यहाँ पर उपयुक्त रहेगा। V1 बराबर V लीटर, V2 ज्ञात करना है। T1 चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया है, इसे 273 प्लस करेंगे, केल्विन में चेंज करते हैं, तो T1 बराबर है 27 / 273 बराबर 300 केल्विन और T2 बराबर है 477 / 273 इज इक्वल टू 750 केल्विन। V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। जब V2 ज्ञात करते हैं तो V1 इंटू T2 अपॉन T1। चूंकि V1 को हमने V माना, T2 की वैल्यू 750 केल्विन और T1 की वैल्यू 300 केल्विन प्राप्त हुई है। V2 की वैल्यू प्राप्त हुई 2.5 V। बाहर निकली वायु का आयतन होगा 2.5 V - V, तो इसका मान है 1.5 V। बाहर निकली वायु का अंश 1.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से वायु का 3/5 पार्ट जो है वो फ्लास्क से बाहर निकलता है। प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर जहां ताप 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा। V1 बराबर 2 लीटर, T2 बराबर 26.1 / 273, T2 की वैल्यू प्राप्त होती है 299.1 केल्विन, T1 बराबर है 23.4 / 273, तो T1 का मान प्राप्त होता है 296.4 केल्विन। V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2, V2 बराबर V1 T2 बटा T1, V1 की वैल्यू है 2,
गुणा t2 की वैल्यू 299.1 बटा t1 की वैल्यू रखते हैं 296.4। तो हल करने पर ये मान प्राप्त होता है 2 × 1.009 और हल करने पर 2.018 लीटर प्राप्त होता है। किस सेंटीग्रेड तापक्रम पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन का दुगना हो जाएगा यदि दाब स्थिर रखें? चार्ल्स के नियम से V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। V बटा T1 की वैल्यू है 273 केल्विन बराबर V2 की वैल्यू 2V, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आयतन दुगना, बटा T2। तो T2 हल करके ज्ञात करना है 2V इंटू 273 अपॉन V। हल करने पर ये मान प्राप्त होता है T2 का 546 केल्विन। यदि सेंटीग्रेड तापक्रम प्राप्त करेंगे तो केल्विन तापक्रम से 273 माइनस कर देते हैं। 546 माइनस 273 बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सेंटीग्रेड तापक्रम पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन का दुगना हो जाएगा यदि दाब यहाँ पर स्थिर रखा जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाइनाइट्रोजन के घनत्व के समान है, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या होगा? गैस का घनत्व रो बराबर PM/RT। P यहाँ पर प्रेशर है, M आणविक द्रव्यमान जो कि नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम प्रति मोल। तो यदि नाइट्रोजन के लिए हम रो N2 ज्ञात करते हैं, घनत्व ज्ञात करते हैं, तो रो N2 बराबर PM/RT। P का मान यहाँ 5 × 28/RT। गैसीय ऑक्साइड के लिए P बराबर है 2 बार और M ज्ञात करना है। यहाँ पर रो ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड का घनत्व का सूत्र यदि रखते हैं तो PM/RT होगा। P के जगह पर हम रखते हैं 2 × M/RT। अब यहाँ पर हम दोनों को लेते हैं, नाइट्रोजन के घनत्व को और ऑक्साइड के घनत्व को, तो 5 × 28 बराबर 2 × M। यहाँ पर RT कैंसिल हो जाएगा तो M बराबर 28 × 5/2। तो M का मान प्राप्त होता है 70 ग्राम प्रति मोल। ऑक्साइड का अणुभार होता है 70 ग्राम प्रति मोल। यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम मेथेन तथा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो तो इसका दाब क्या होगा? PV बराबर M/RT। यहाँ पर जो स्मॉल m है वो दिया गया द्रव्यमान और जो कैपिटल m है वो आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी मोलों की संख्या n की जगह हम लिख सकते हैं M/M। W बराबर है 3.2 ग्राम, कैपिटल M यहाँ पर हम मेथेन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल M यानी मेथेन का जो अणुभार है वो 16 ग्राम प्रति मोल, तापमान 300 केल्विन। आयतन बराबर 9 × 10⁻³ m³ है। R बराबर 8.314 पास्कल मीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल। तो इस तरह से जब हम प्रेशर निकालते हैं मेथेन के लिए तो वो प्राप्त होगा 3.2/16 × 8.314 × 300/9 × 10⁻³। तो ये मान प्राप्त होता है 5.543 × 10⁴ पास्कल। कार्बन डाइऑक्साइड का दाब, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो दिया गया द्रव्यमान है वो 4.4 ग्राम, इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 44 ग्राम प्रति मोल, तापमान 300 केल्विन। आयतन बराबर है 9 × 10⁻³ मीटर क्यूब। R का मान प्राप्त होता है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब प्रति केल्विन प्रति मोल। यहाँ पर जब हम मान रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के दाब के लिए तो 4.4/44 × 8.314 × 300/9 × 10⁻³। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर प्राप्त होता है 2.771 × 10⁴ पास्कल। चूंकि यहाँ दो अलग अलग गैसों के लिए दाब प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, तो मिश्रण का कुल दाब बराबर होगा
मीथेन का आंशिक दाब धन कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब दोनों को जोड़ देते हैं तो 5.543 गुणे 10^4 धन 2.771 गुणा 10^4 जोड़ने पर ये मान प्राप्त होता है 8.314 गुणे 10^4 पास्कल। यह प्रश्न डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर आधारित है और साथ ही यहाँ पर हम आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर एनआरटी को लेते हुए सवाल को हल करते हैं। अगला हम देखते हैं, यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा दो बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम डेसीमीटर क्यूब है तो एसटीपी पर इसका घनत्व क्या होगा? P1 बटा D1 T1 बराबर P2 बटा D2 T2। D1 यानी घनत्व, यहाँ पर D1 5.46 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब, D2 ज्ञात करना है, P2 का मान है एक बार और P1 दो बार, 2/5.46 गुणे 300 बराबर 1/D2 गुणे 273, तो D2 का मान प्राप्त होता है 3 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब। 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरने वाली 4 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए। R बराबर 0.83 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल है। PV बराबर NRT, P का मान है 3.32 बार, V 5 डेसीमीटर क्यूब, N बराबर है 4 मोल। जब P का मान रखते हैं तो 3.32 गुणे 5 बराबर 4 गुणा 0.83 गुणा T। टेम्परेचर यहाँ प्राप्त करना है तो 3.32 गुणा 5 बटा 4 गुणे 0.83। हल करने पर टेम्परेचर प्राप्त होता है 50 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 760 मिलीमीटर HG दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन 640 ml हो तो गैस का दाब क्या होगा? यहां P1 बराबर है 760 mm, V1 600 ml, T1 25 धन 273 केल्विन में चेंज करेंगे तो 298 केल्विन प्राप्त होगा। V2 का मान है 640 ml, T2 बराबर है 10 धन 273, तो 283 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त होता है। जब हम संयुक्त गैस नियम के आधार पर देखते हैं तो P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। चूंकि यहाँ पर P2 ज्ञात करना है तो P1 V1 into T2 upon T1 V2। तो P1 की वैल्यू है 760 mm, V1 600 ml, T2 की वैल्यू 283 केल्विन, T1 की वैल्यू है 298 केल्विन और V2 की वैल्यू है 640 मिलीलीटर। तो इस तरह से P2 का मान प्राप्त होता है 676.6 mmHg। तो ये दाब हमें प्राप्त होता है। यदि 200 मिलीलीटर नाइट्रोजन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 मिलीमीटर दाब पर ऑक्सीजन के 350 ml के साथ जिसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब 300 mmHg है के साथ मिलाने पर जो मिश्रण का आयतन है वो 300 ml हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिश्रण का कुल दाब क्या होगा? मिश्रित करने के बाद N2 का आंशिक दाब गणना करेंगे तो V1 बराबर 200 ml, P1 बराबर 250 mmHg और V2 300 ml, P2 का मान ज्ञात करना है। तो P1 V1 बराबर P2 V2, तो P2 ज्ञात करने के लिए P1 V1 अपॉन V2, P1 250 गुणा 200 बटा 300, तो हल करने पर मान प्राप्त होता है 166.6 mm। मिश्रित करने के पश्चात ऑक्सीजन के आंशिक दाब की गणना करेंगे। V1 बराबर 350 ml, V2 300 ml, P1 300 mmHg और P2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर P1 V1 बराबर P2 ज्ञात करने के लिए P1 V1 बटा V2, P1 का मान 300 mmHg into V1 की वैल्यू 350 ml और V2 की वैल्यू 350 ml। तो इस तरह से V2 की वैल्यू 300 ml। फिर से बोल रही हूँ इसको, P2 का मान ज्ञात करने के लिए P1 300 mmHg
इनटू V1 का मान 350 ml और V2 का मान 300 ml। तो इस तरह से 300 300 कैंसिल होगा, जो मान प्राप्त होगा 350 ml। तो इस तरह से जो दाब प्राप्त होता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब वह है 350 mmHg। कुल जो दाब होगा गैसीय मिश्रण का कुल दाब बराबर होगा P बराबर P नाइट्रोजन प्लस P ऑक्सीजन। तो 166.6 जो कि नाइट्रोजन के लिए आंशिक दाब है और 350 जो कि ऑक्सीजन के लिए आंशिक दाब है, दोनों को जोड़ने पर 516.6 mmHg प्राप्त होता है कुल मिश्रण का दाब। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डेसीमीटर क्यूब के एक नली में 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन भरा गया, तो मिश्रण के कुल दाब की गणना कीजिए। यहाँ पर R का मान दिया हुआ है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 8 बटा आणविक द्रव्यमान है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम प्रति मोल। तो जो मोलों की संख्या ऑक्सीजन की वो प्राप्त होती है 0.25 मोल। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्राप्त होता है 4 बटा आणविक द्रव्यमान है 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है 2 मोल। ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर N1RT बटा V। N1 0.25 गुणा R का मान 0.083 गुणा T का मान है 300 बटा आयतन है 1 डेसीमीटर क्यूब। 6.225 बार ये मान प्राप्त होता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। हाइड्रोजन के लिए आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए pH2 बराबर N2RT बटा V। यहाँ पर N2 2 मोल, 2 गुणा 0.083 गुणा 300, 300 यहाँ पे टेम्परेचर है और 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन। तो कुल जो आंशिक दाब है हाइड्रोजन के लिए वो प्राप्त होता है 49.8 बार। गैस मिश्रण का कुल दाब है 6.225 धन 49.8 बार। जब कुल दाब निकलता है तो 56.025 बार प्राप्त होता है। तो इस तरह से मिश्रण का कुल दाब ज्ञात किया जा सकता है। एक बार दाब पर डाइहाइड्रोजन तथा डाइऑक्सीजन के मिश्रण में 20% डाइहाइड्रोजन रखा जाता है, तो डाइहाइड्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 20 ग्राम, मिश्रण में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 80 ग्राम, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में लिया गया है, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 80 ग्राम। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 20 बटा 2, तो 10 मोल, और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 80 बटा ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 32, तो ये ऑक्सीजन के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई 2.5 मोल। कुल दाब है एक बार, तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब जब हम ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब बराबर होगा 10 मोल बटा 12.5 मोल गुणा एक बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आंशिक दाब हमें प्राप्त होता है 0.8 बार। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन का क्रांतिक ताप क्रमशः 31 डिग्री सेंटीग्रेड एवं -81.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनमें से किसमें प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है और क्यों? क्रांतिक ताप के मान से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में अन्योन्य क्रिया अधिक होगी। वास्तव में दोनों गैसें अध्रुवी हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में वांडरवाल अन्योन्य क्रिया बड़े आणविक आकार के कारण अधिक होती है।